किस पॉइंट पे बेसिकली, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे ये टैंजेंट बनेगा? सर हर पॉइंट पे रहेगा ना? हर पॉइंट पे रहेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 2D कर्व था. लेट्स से y इक्वल्स टू 4ax लिया बस मैंने, तो dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है, राइट? इतना सबने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है. तो अगर मेरे पास कुछ y इक्वल्स टू 4x रहेगा तो हमेशा द स्लोप विल बी 4a. ये आपको दिख भी रहा है y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में, ठीक है. अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखो क्या होता है. पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन तब करते हैं जब मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं जिन पे इक्वेशन डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे x और y दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जहाँ पे द फंक्शन इज डिपेंडेंट. ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो पूरा फंक्शन है मेरा, दिस होल फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन टू और मोर वेरिएबल्स विच आर x एंड y. अब अगर मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एंड आई एम इक्वेटिंग दैट विथ इक्वल टू जीरो, तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा होगा? एनीवन? डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको स्लोप एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस मिल रहा होगा. लेकिन ये 2D कर्व है. बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप 2D कर्व को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वाई के रिस्पेक्ट में कुछ मिल रहा है, मतलब कि एक लाइन मिल रही है. बेसिकली यू आर नॉट गेटिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट. अगर एक वाई इज इक्वल टू एक लीनियर चीज को डिफरेंशिएट करते तो आपको क्या मिलता? डायरेक्टली स्लोप मिल जाता. यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? स्लोप एक वेरिएबल फॉर्म में मिल रहा है. बेसिकली स्लोप इज नॉट एक्चुअली अ स्लोप. स्लोप इज, स्लोप कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वाई. तो एक वेरिएबल लाइन टाइप की इक्वेशन मिल रही है इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि 2D कर्व है. अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे आएगा ना 2ax, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है. यहाँ पे आएगा ना 2h और क्या आएगा, एक प्लस 2g भी आएगा. 2hy प्लस 2g इज इक्वल टू जीरो. तो बेसिकली y इज इक्वल टू समथिंग, आपको एक लाइन की इक्वेशन मिल रही है और वो लाइन की इक्वेशन x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है. x की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो लाइन की इक्वेशन डिफरेंट रहेगी, राइट? सिमिलरली, तो बेसिकली कोई कुछ भी कर्व होगा ये, बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. ये चीज मुझे पता चल रही है. सिमिलरली अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो अगेन आई विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट? अब अगर मैं दोनों स्ट्रेट लाइंस को सिंप्लीफाई कर लूंगा तो क्या मुझे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है? इफ अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग अ लाइन, लेट्स से L dash या L1 dash, and y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे आई एम गेटिंग L2 dash, and if इन दोनों इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बोथ द लाइंस विल बी रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर, मतलब बोथ द लाइंस आर बेसिकली क्या है वो, डिफरेंशिएट करने के बाद वट एवर आई एम गेटिंग इज बेसिकली स्लोप फॉर्म में एक लाइन की इक्वेशन मिल रही है, राइट? तो दोनों स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड अगर मैं दोनों को इक्वेट करके, दोनों को सिंपलीफाई करके सॉल्व कर रहा हूं तो बेसिकली मुझे दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा. हाँ सर. तो बस वही इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कि दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या दोनों का क्या इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही चीज सिंप्लीफाई करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर देते हैं जीरो से. एंड वंस वी डू सो तो फिर हमें दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है, जिससे कि हमें जो कॉन्स्टेंट टर्म जो हम नहीं डिफाइन कर पाते हैं अपॉन फैक्टराइजेशन, वो कॉन्स्टेंट टर्म मिल जाता है उसी की हेल्प से. तो दैट इज वाई वी पार्शली डिफरेंशिएट. थोड़ा सा अभी कैलकुलस में और पढ़ोगे इसके बारे में तब ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, बट अभी शायद एक ब्रीफ पिक्चर मिल गया होगा कि क्यों पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है, ठीक है? तो बेसिकली एक दो चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में. सबसे पहले तो कि जैसे इफ आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ इक्वेशन जहाँ पे आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर मुझे इस लाइन का लाइक
If I have to find the slope, angle between the pair of a straight line, तो directly निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक pair of line given है इस form में, by square plus 2 hxy plus 2 gx plus 2 fy plus c is equals to 0। अगर ये pair of a straight line है, and आपसे पूछा कि find the angle between two lines, तो instead of अच्छा कैसे निकाल सकते हैं angle between two lines? नॉर्मल मेथड क्या होगा? स्लोप निकालेंगे सर, पहले दोनों लाइंस को फाइंड आउट करेंगे, फिर उनके स्लोप से फिर वो यूज करेंगे टैन थीटा वाला रिलेशन। टैन थीटा वाला रिलेशन यूज करोगे? ओके हाँ, मतलब वो कर सकते हो। थोड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं है? दोनों लाइंस निकालो, फिर दोनों लाइन का स्लोप निकालो। यस सर। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x के टर्म में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। हाँ सर। अगर x के बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट दिख रहे हैं, मतलब ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे मिला करके। तो अगर मैं क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके, तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू सबसे पहले तो a रहेगा, राइट? नहीं, यस माइनस बी। बी क्या है यहाँ पे? 2hy और ये भी तो रहेगा ना 2g। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, राइटिंग इट इन दिस फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस अगर मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 2h प्लस 2g, 2hy प्लस 2g, एंड उसके बाद फिर जो भी बच रहा है सब कॉन्स्टेंट टर्म बच रहा है, दैट इज बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये c मिल रहा है। तो अब अगर x के टर्म में ऐसी क्वाड्रेटिक मिल रही है, और अब अगर आपको मैंने बोल दिया कि रूट्स फाइंड करो, तो रूट्स कैसे निकालोगे? x इज इक्वल टू माइनस बी, ये पूरा लिखोगे 2hy प्लस 2g प्लस एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर माइनस 4ac करोगे अपॉन 2a, अपॉन 2a। इस तरह से आप रूट्स निकाल सकते हो। दिस इज द नॉर्मल मेथड जो हम इक्वेशन को ब्रेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब लाइक मैंने आप लोगों को शॉर्टकट मेथड पहले बता दिया, दिस इज द लॉन्गर मेथड। यहाँ पे अगर आपको दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, तो वंस यू फाइंड द रूट्स, तो फिर आप दोनों को लिख सकते हो ना, x प्लस दिस इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस दिस इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से अगर x की दो वैल्यूज मिल रही है, लेट्स से x इज इक्वल टू 2 और 4 मिल रहा है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक लाइन हो जाएगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक लाइन हो जाएगी। तो दिस इज द लॉन्गर वे टू डिटरमाइन, मतलब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके दिस इज द लॉन्गर वे टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोथ द लाइंस एंड बोथ द इक्वेशन। हाँ, मतलब डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस, ये हो जाएगा। नाउ ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया। अब मुझे अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो क्या होगा? तो ध्यान से एक बार मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करता हूँ। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, एक बार सिंपलीफाई करके मुझे बताओ। एनीवन? अच्छा एक चीज और मुझे बतानी है बिफोर इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सिंपलीफाई करो, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। एक टर्म होता है होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन है कि जब मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में, जब मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में, सबकी डिग्री सेम हो। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ हाँ सर, एक मिनट, वो लास्ट लाइन देखना था। ये लास्ट स्लाइड बेटा अभी बाद में लिखना, पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड तो मैं मूव करूंगा अभी ना। मैं बोल रहा हूँ होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजीनियस इक्वेशन इज समथिंग जहाँ पे मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सबकी डिग्री सेम हो। तो ये सबकी डिग्री सेम हो से क्या समझते हो? मैक्सिमम पावर सबकी सेम हो, सेम हो, मैक्सिमम पावर सेम हो। जैसे मान लो मेरे पास अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, नाउ यहाँ पे हर टर्म के जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनका डिग्री सेम है क्या? यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 2 है।
यहाँ पे x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, दोनों का प्रोडक्ट का डिग्री 2 हो जाएगा इस टर्म में, लाइक h तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट का डिग्री ऐड कर देते हैं हम लोग, ऐड कर दोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी डिग्री 2 हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन. हाँ x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, दोनों को ऐड कर लो, अगर मैं x स्क्वायर y क्यूब लिखूंगा तो डिग्री विल बी 5, व्हिच इज x की पावर 5 लिखोगे तो भी इसकी डिग्री 5 हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन. तो लेट्स से अगर मेरे पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, जैसे कि ये दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे सबकी डिग्री 2 है, ये भी क्लास 12 में पढ़ोगे, बट यहाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में ये चीज यूज होती है थोड़ी सी, ठीक. तो अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो ये लाइन कहाँ से पास कर रही है? एनीवन? सर ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रही है, सबको दिख रहा है 0,0 सब्स्टिट्यूट करने पर. तो कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए वो डिग्री 2 होती है, ठीक है, और कोई भी 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जो उसकी इस फॉर्म को में रहेगी विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से ही पास होगी हमेशा, ऑलवेज. Now, अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. सर दोनों लाइन सेपरेटली देखे तो भी मतलब ओरिजिन से पास करेंगे ना? हाँ, दोनों लाइन ऐसी रहेगी कि बोथ द लाइंस विल पास थ्रू ओरिजिन, उसको सेपरेट भी कर लोगे तो भी ओरिजिन, क्योंकि देखो खुद ही देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा ना. हाँ सर, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा तो y equals to mx टाइप की कुछ लाइन बनेगी दोनों. हाँ सर, तो वहां से समझ जाओगे कि मतलब समझ सकते हो वहां से भी. अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, What I'm saying is कि जैसे last class में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि pair of straight lines को कैसे break करते हैं, तो इस वाले portion को याद है straight line में हम क्या कर रहे थे, factorize कर रहे थे, उसके बाद फिर जो constant की value हम निकाल रहे थे वो partial differentiation के method से निकाल रहे थे, right? तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो constant वाला term है वो है ही नहीं, तो अगर आप बस इसी को factorize करके लिखोगे तो इसको factorize करके लिखने के बाद आपको जो भी term मिलेगा y is equals to mx form में मिलेगा, तो दोनों line will be y is equals to mx, right? तो मैं कह सकता हूँ वहां से कि ओरिजिन से पास होगी, ठीक है. अब देखो इसी क्वेश्चन को कांस्टेंट मान के फैक्टराइज करते थे ना. हाँ, वाई को कांस्टेंट मान के भी मैं क्वेश्चन और करवा दूंगा एक, जैसे कि मेथड से याद रहे आप लोगों को. अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग द इक्वेशन थ्रू आउट एक्स स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस 2h y by x प्लस by x का होल स्क्वायर, राइट. y by x में क्वाड्रेटिक दिख रही है सबको, y by x में क्वाड्रेटिक दिख रही है, y by x को t मान लो, ठीक है. तो फिर आपको इक्वेशन क्या मिल रही है, b into t square plus 2h t plus a is equals to 0. अब यहाँ से अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, मतलब इसके रूट्स लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस एच इज इक्वल्स प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी. ये टी की वैल्यू है, टी वॉज वाई बाई एक्स, राइट. ये टी की वैल्यू है, टी वॉज वाई बाई एक्स, ये वैल्यूज आएंगी. तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल्स टू माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी एक्स मिलेगा, और एक बार माइनस साइन के साथ मिलेगा. सर वो राइट, टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी आएगा ना, टू बाहर आएगा, वो कैंसिल कर दिया सर, वो कैंसिल हो जाएगा ना बार फैमिली. अच्छा हाँ सर, नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बेसिकली जो मेरे पास आया अपॉन सिंप्लीफिकेशन दैट इज
y by x is equals to minus h plus n minus under root h square minus ab upon b. या y is equals to, एक चीज में लिख सकता हूँ m1x और y is equals to m2x, क्योंकि x को मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो एक जो प्लस साइन के साथ है वो एक स्लोप हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरा स्लोप हो जाएगा. यहाँ पे m1 could be minus h plus या minus h square minus ab upon b and m2 is minus h plus root of h square minus ab upon b. तो ये फैक्टराइजेशन इजी है. क्यों ये फैक्टराइजेशन इजी है? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल है. इसी का मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बता दिया था कि कैसे फैक्टराइज करोगे. नॉर्मली फैक्टराइज करने के लिए अगर मान लो मेरे पास 8x square plus 16xy plus 24y square written है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. एल्स अगर नहीं समझ में आ रहा तो इन तीन टर्म को फैक्टराइज करने के लिए आप ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो नॉर्मली. तो यहाँ पे स्लोप ऑफ वन लाइन स्लोप ऑफ टू लाइन बताया, उसमें डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा. क्यों डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा? मैंने बता दिया ना कि ये अगर इस टाइप की होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये हमेशा ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये कुछ और नहीं रिप्रेजेंट करेगा. मतलब खुद ही सोचो कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों रिप्रेजेंट हो जाएगा, फैक्टराइज कर हो जाएगा ना, y = m1x और y = m2x आ जाएगा. So that will always be representing a pair of a straight line passing through origin. तो आपको ये यहाँ पे determinant check करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ से अगर क्या-क्या चीज़ें conclude कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि h square minus ab. imaginary हुए तो. हाँ वही चीज़ बताने जा रहा हूँ बेटा कि अगर ये हम slope find करने के लिए कर लेना. हाँ मतलब स्लोप के दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए, दोनों के बीच में एंगल भी यहाँ से ही रिलेट कर दूंगा मैं भी. तो अगर मेरे पास h square greater than हो ab हो गया तो वैल्यू ऑफ m1 m2 कैसे हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे. अगर h square is equals to ab हो गया तो वैल्यू ऑफ m1 m2 इक्वल हो जाएंगे, मतलब दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग लाइन्स मिलेंगी. अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया तो दोनों सेम ही लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेस देन जीरो पे मतलब एक लाइन इमेजिनरी है. अब अभी आपने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा तो इमेजिनरी वाले पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप बाद में डिस्कस करेंगे. h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो पे बेसिकली क्या होता है ना, जैसे एक थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ मैं, जैसे मेरे पास एक रियल नंबर्स की लाइन होती है ना जिसमें आप रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स प्लेन भी होता है जो आपके 2D प्लेन से बाहर आ रहा होता है, ठीक है? तो 2D प्लेन से बाहर आ रहा होता है तो मैं उसको 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए y एक्सिस फॉर्म में रख रहा हूँ. तो जैसे आपको मान लो एक रियल नंबर हो गया, सिमिलरली यू हैव प्लेन परपेंडिकुलर टू द रियल नंबर प्लेन एंड दैट इज इमेजिनरी प्लेन, इसको हम इमेजिनरी प्लेन बोलते हैं. तो अगर इमेजिनरी लाइन होगी तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करती है कुछ, लाइक इफ h स्क्वायर माइनस ab इज लेस देन जीरो तो ऑल्दो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है बट ये रियल नंबर वाले प्लेन से बाहर कहीं आता है, तो वो चीज थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ेंगे. काफी चैप्टर इसमें मिक्स हो रहे हैं ना, कैलकुलस भी आ रही है, डिटरमिनेंट्स भी. हाँ सर, ये जो आप सॉल्व कर रहे हैं जो ax2 + 2hxy + b2 + by2 वाला है, तो ये सिर्फ यही हमारी पेयर ऑफ लाइंस है या फिर कांस्टेंट टर्म्स भी रहेंगे? मतलब नहीं नहीं, ये तो इसी के लिए सॉल्व कर रहा हूं, होमोजेनियस इक्वेशन के लिए. ओके सर. और मैं बता रहा हूँ कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज, मतलब अगर ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन है तो दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, दिस विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन. और उसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं? अगर नॉर्मली से सिंपलीफाई करना आता है तो ओके इस तरह से कर सकते हैं. इमेजिनरी वाला नहीं समझा, वो समझने के लिए है भी नहीं. इमेजिनरी आएंगे तो वो xy प्लेन में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा xy प्लेन में. xy प्लेन, xyz प्लेन जो है वो तुम्हारा रियल नंबर प्लेन है, उससे कुछ डिफरेंट प्लेन रहेगा. मतलब एक रीजन है कि उसको इमेजिनरी बोलते हैं, बट ठीक है. तो मतलब बस 0,0 एक पॉइंट रहेगा और कुछ? हाँ और कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वैसा कुछ क्वेश्चन में पूछेगा नहीं आपसे क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है अभी. तो अब यहाँ से अगर मैं m1 + m2 देखूँ तो क्या आएगा?
दो रूट्स है ना, तो m1 + m2 क्या आएगा? -2h / b आएगा. देख लो यहाँ पे, यहाँ से देख लो ना, m1 + m2 इसके रूट्स थे ना, तो 2h / b माइनस में, और m1 * m2 a/b माइनस नहीं आएगा, a/b आएगा, ये पॉजिटिव है. c/a/b आएगा बेटा, c यहाँ पे ये है ना. नहीं सर, मतलब वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला बोल. हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट a/b ही आएगा. देखो यहाँ पे t के टर्म में क्वाड्रेटिक बनी है ना. हाँ सर, समझ में आया वो. अच्छा, कांस्टेंट ऑफ. ओके, ये हो गया. अब ये तो कुछ होमोजीनियस वाली इक्वेशंस हो गई. अब एक चीज आती है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. तो शिफ्टिंग ऑफ मतलब ये तो बेसिकली m1 + m2 मतलब यहाँ निकल गया m1 * m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आ गया. एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालनी होगी तो क्या करोगे? सर tan theta वाला फार्मूला. tan theta वाला फार्मूला लगाओगे तो tan theta वाला फार्मूला क्या है? mod of m1 - m2 m1 - m2 11 plus m1 m2. तो यहां से सिंपलीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो यहाँ m1 m2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आ रही है? 1 प्लस a/b, और ऊपर m1 - m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? root d by a. तो root d क्या है? h² - ab, और a क्या? b है यहाँ पे, राइट? सर फाइनली आ रहा है मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h² - ab बाय a प्लस b बाय b, ऐसा आएगा. हाँ, ये b और b कैंसिल आउट हो जाएगा अगर एलसीएम ले लोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h² - ab अपॉन a प्लस b या b प्लस a, टैन थीटा ये आ रहा है. ये एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का डायरेक्ट मेथड है. अच्छा, अब क्यों मैंने होमोजीनियस से आप लोगों को सिंपलीफाई करवा दिया और कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड नहीं किया? एनीवन? लाइक एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए क्यों मैंने होमोजीनियस चाहिए थे? राइट, हमें स्लोप्स ही चाहिए थे. ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? एंगल तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म्स है तो फिर लाइन सिर्फ शिफ्ट होती है, बट दोनों के बस वो इंटरसेप्ट चेंज होगा. हां सर, तो एंगल सेम कट हो जाएगा ना बाद में अगर. तो बस होमोजीनियस को सिंपलीफाई करके हम क्या कर सकते हैं? बस सिर्फ होमोजीनियस वाले इक्वेशन मतलब जो पहला 3 पार्ट होता है, बस इसको सिंपलीफाई करके आई कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस, और वो क्या हो जाएगी? 2 ऑफ रूट ऑफ h² - ab अपॉन a + b. तो मेरा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लिख लो, क्या आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h² - ab अपॉन a + b. सिंपल सा एक फॉर्मूला आ रहा है. अब यहाँ पे what will happen if a plus b is equals to 0? थीटा 90 degree हो जाएगा, both the lines will be perpendicular to each other. तो बहुत simple सी चीज है कि अगर कोई homogeneous equation मतलब कुछ एक equation लिखी है वहाँ पे a plus b अगर equal to 0 हो रहा है तो directly बोल सकते हो क्या कि perpendicular है दोनों line? बस इतना सही कॉन्सेप्ट है तो मैं हाँ बेटा वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर होमोजीनियस के लिए नहीं भी निकाल रहे हो तो भी आप जब फैक्टराइज करते हो तो y = mx तो आपको यहाँ से मिल जाता है. आपको जो c होता है वो मिलता है ना कांस्टेंट से इंटरसेप्ट. अच्छा, हाँ, तो सबके तो स्लोप तो यही रहेगा ना, तो सी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो दैट इज व्हाई यही फार्मूला है. सर तो हमें बाकी वाले लाइंस के लिए भी बस ये वाले 3 टर्म्स निकालने हैं, x² x1 अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस चाहिए तो. हां सर, एंगल बिटवीन टू लाइंस चाहिए तो बस h a और b से काम हो जाएगा.
और उसमें भी अगर a plus b is equals to 0 हो रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि both the lines are perpendicular to each other. ठीक है, तो मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या बताया हुआ है अभी तक. ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था. डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो को सॉल्व करोगे, अगर जीरो हो रहा है तो डेफिनेटली मतलब ये पेयर ऑफ लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है. अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे इक्वल टू जीरो हो रहा है तो तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके इसको ओपन करने का एक जनरल कंडीशन, या तो नॉर्मली ओपन कर लो या तो फिर ये कंडीशन याद रख करके चेक कर लो वेदर इट इज जीरो और नॉट. अब नेक्स्ट, मैंने थोड़ा डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया था. तो पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद अगर मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ जीरो से एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, तो आई एम गेटिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट. वो इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस क्योंकि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होंगी, तो वहां से दैट इज बेनिफिशियल टू डिटरमाइन. पिछले वाले स्लाइड में बेटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. सर अभी आप क्या बता रहे थे, एक मिनट पहले. मैं वापस से बता रहा हूँ जो मैंने बताया अभी अभी तक वो बता रहा हूँ. इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करके अगर मैं किसी पॉइंट इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, एंड इफ आई एम गेटिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट तो वो दोनों लाइन से पास होगा, एंड वंस दैट इज पासिंग थ्रू बोथ द लाइंस तो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. एंड सिंस दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो जो कॉन्स्टेंट टर्म अननोन था वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. ये बता रहा था मैं डिग्री सेम होनी चाहिए. तो डिग्री में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये वन है और ये वन है तो दोनों की पावर ऐड कर दो तो डिग्री टू हो गई यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे तो डिग्री आप लोगों को टू दिख ही रही है, यहाँ पे भी डिग्री टू है. तो अगर सेम डिग्रीज मेंटेन हो रही है हर टर्म की तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन. तो इस मेरे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है इस टाइप की, जहाँ पे x में एक स्क्वायर है, y में एक स्क्वायर और एक xy वाला टर्म है, तो ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी. क्योंकि अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस y इज इक्वल्स टू mx टाइप का कुछ फॉर्म बनेगा दोनों के लिए. y इज इक्वल्स टू m1x प्लस y इज इक्वल्स टू m2x इस टाइप का कुछ फॉर्म बनेगा. तो दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. उसकी वैल्यू चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो. यहाँ पे m1 क्या है, m2 क्या है, मैंने बता दिया. m1 plus m2 क्या हो जाएगा, -2h/b. m1 into m2 will be a/b. ये चीज बताई. उसके बाद फिर मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस भी यही से बता दिया आप लोगों को कि m1 minus m2 चाहिए तो वो आप निकाल सकते हो, 2√d/a. तो यहाँ पे वो हो गया, जो भी मतलब सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी मैंने डिस्क्रिमिनेंट की, और m1 m2 तो मैंने भी यहाँ निकाला ही है. तो वहाँ से मुझे ये फाइनली मिल गया कि एंगल बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ लाइंस विल बी कैन बी फाउंड यूजिंग दिस. यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताई कि अगर a प्लस b की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो गई तो टीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि टैन नॉट डिफाइन हो जाएगा. टैन टीटा नॉट डिफाइन कहाँ पे होता है, टीटा पाई बाई टू पे, 90 डिग्री पे. तो अगर a plus b is equal to 0 हो गया तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि the pair of straight lines are perpendicular to each other. ठीक है, आगे बढ़े अभी. हाँ, so general equation में 2fy और 2gx का term slope में दिक्कत नहीं देंगे क्या? नहीं देंगे ना, वो तो intercept का काम करेंगे ना. अगर मान लो मैं अभी मैं एक question करा के दिखाता हूँ. जैसे मान लो आई हैव एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो. अब मैंने बता दिया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि डिटरमाइन बोथ द इक्वेशंस, मतलब डिटरमाइन बोथ द लाइंस. तो नॉर्मली क्या करोगे, नॉर्मल स्टेप क्या होगा, x इज इक्वल्स टू फैक्टराइज करोगे, ये हो गया और ये कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा मेरा. तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी वन हो जाएगा, प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर वन हो जाएगा वापस से, माइनस फोर ए सी. तो माइनस फोर टाइम्स ऑफ माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस टू
अपॉन टू. सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, ये फैक्टराइज हो जाएगा प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस एट माइनस वन प्लस सेवन. तो फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और ट्वेल्व नहीं नाइन आएगा, वन प्लस एट नाइन आ जाएगा. तो फोर नाइन से थर्टी सिक्स, ट्वेल्व और थर्टी सिक्स टू वाई, टू वाई माइनस थ्री, वन प्लस माइनस टू वाई माइनस थ्री बाई टू. देखो सिंप्लीफाई करने पे यही आ रहा है. यस सर, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना. बाकी लोग वेरीफाई करो. हाँ. अब एक ने बोल दिया तो दूसरा हाँ बोलेगा ही. तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, एक x is equals to 2x is equals to 1 plus 2y minus 3 और सेकेंड इक्वेशन भी 2x is equals to 1 minus 2y minus 3. ये दोनों लाइंस की इक्वेशन हो जाएगी. अपना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके देख लेना, मतलब सबको एक साइड ला करके इक्वल टू जीरो कर लो. तो यहाँ से आ रहा है x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से आ रहा है x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. तो ये मेरी दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई. ठीक है, अब देखो ये यहाँ प्लस वन और यहाँ माइनस टू आएगा. सर यही हम वो डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं. हाँ वही बताने जा रहा हूँ बेटा. अब देखो यहाँ पे अगर मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालनी होती तो यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, वन आ रहा है और यहाँ माइनस वन आ रहा है, दिख रहा है. किसने पूछा था डाउट उस टाइम, यहाँ पे स्लोप वन है और यहाँ पे स्लोप माइनस वन है, राइट? हाँ. एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हो अभी, टैन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टू बाय, जैसे भी निकाल लो आगे प्रोसीड कर लो. वन माइनस वन जीरो, नाइनटी डिग्री आ रहा है, पाई बाई टू मिल रहा है आप लोगों को. अब देखो बिना ये पार्ट यूज किए यहाँ से डायरेक्टली निकालो. फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे तो लास्ट क्लास में हम लोग वैसे अपने लंबे तरीके से क्यों कर रहे थे. लास्ट क्लास में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे तो इक्वेशन ऐसी इजीली बन गई ना कि आप सिंपलीफाई कर रहे हो. अभी कॉम्प्लेक्स से दे दूंगा तो रूट बनने रहेंगे. अच्छा हाँ सर, क्योंकि कोएफिशिएंट्स इसमें 1 1 और वैसे. हाँ, और यहाँ पे रूट भी सिंपलीफाई हो गया इजीली, तो निकाल दिया आपने. तो ये लॉन्ग मेथड आता है नॉर्मली, यहाँ पे तो इजीली हो गया. अब देखो यहाँ पे जो टैन थीटा वाला फॉर्मूला है, टैन थीटा वाला फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट? अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्टली जीरो दिख रही है, तो थीटा इज इक्वल्स टू डायरेक्टली पाई बाय टू लिख सकते हो. और चाहो तो एच की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर लेना. याद रखना यहाँ पे टू एच एक्स होता है, तो एच यहाँ पे क्या आएगा, 2hx is equals to minus minus 1 by 2 आएगा h. ठीक है, तो यहाँ पे minus 1 by 2 रखना, उसका square करोगे, minus a into b करोगे, अपने आप देखना simplify हो करके वही चीज same चीज मिल जा रही है. तो basically जब हम normal method से solve करते हैं तो हम इन तीन चीज को factorize करते हैं, तो इसी में हमें slope मिल चुका होता है, if you remember correctly. देख चलो इसको normal method से भी simplify कर लेते हैं, जो shortcut method मैंने बताया था. The equation is x square minus x माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. तो शॉर्टकट मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बोला था सबसे पहला टास्क क्या होगा कि इसको फैक्टराइज करना है हमें, राइट? तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या बोला था, वाई को भूल के, वाई को भूल के, एक्स वाई का कोफिशिएंट सॉरी हाँ एक्स वाई का कोफिशियंट होता है, राइट? वो है ही नहीं, यहाँ पे एच जीरो रहेगा, यहाँ पे एच जीरो रहेगा. खैर कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, फिर भी ए प्लस बी तो जीरो आ ही रहा है ना, तो वहां से डिटरमाइन कर लो. हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सबसे पहला थिंग विल बी जो मुझे
एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट चाहिए, मुझे वाई स्क्वायर वाला कोफिशिएंट चाहिए और मुझे एक्स वाई वाला कोफिशिएंट चाहिए, तो वो जीरो है. ठीक है, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब मैंने क्या बोला था, फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे, वाई को भूल जाओ कि कुछ है वाई, तो माइनस वन लिख दो, वन इंटू वाई लिख सकते हो ना. एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, x plus 1 into x minus 1. x minus 1. अब जो y actually में आप भूल गए थे, तो वहाँ पे y replace कर लो, x plus y और x minus y. तो देखो यही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ समझ गया ना क्या कर रहा हूँ मैं, सब लोग फैक्टराइज करते वक्त बेसिकली आप यहीं से डायरेक्टली भी लिख सकते थे x plus y x minus y, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, मतलब नॉर्मल उसके लिए कैसे फैक्टराइज करते हैं वो बता रहा था मैं. खैर कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो ये x plus y x minus y मिल गया. अब जो भी मैं ये वाली चीजें ऐड करूंगा ना प्लस c1 और प्लस c2, वो मुझे कांस्टेंट देंगी, वो मुझे कांस्टेंट वैल्यू देगी, उसका स्लोप में कोई रोल नहीं रहेगा. टू डिटरमाइन द स्लोप उसका कोई रोल नहीं रहेगा, स्लोप मुझे पहली तीन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद मिल जाता है. तो जो मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालता हूँ तो वहां मैं स्लोप का यूज करता हूँ, वहां मैं जो कांस्टेंट टर्म है प्लस सी वन और प्लस सी टू इनका यूज नहीं करता हूँ. समझ में आ रहा है क्यों बस ये पहले तीन टर्म सिंप्लीफाई करने पे मिल जा रहे हैं? Yes. ठीक है, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए अभी. सर इसमें अभी कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट, हां अब वो भी करके दिखा दे रहा हूं. x plus y x minus y तक सबको समझ गया, x और y मिल गए तो उसके बाद क्या करें? हाँ, अब ये मिल गया, यहाँ पे प्लस सी वन यहाँ पे प्लस सी टू कर दो. अब डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, या एक्स इज इक्वल टू हाफ मिल रहा है. सिमिलरली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या मिलेगा, माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, या वाई इज इक्वल टू थ्री बाई टू. ये समझ में आ गया? हाँ सर. अब क्या करोगे, पार्शियली किया, पार्शियली क्यों किया, इसका आंसर तो दे चुका ना लेक्चर के सर ने किया, पार्शियली किया मतलब. हाँ पार्शियली किया ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, ये तो पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. फिर सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. समझे? ठीक है, अब क्या करेंगे, मतलब लाइक x और y तो मिल गया मुझे, नेक्स्ट क्या होना चाहिए सर, वो पुट करके देख लीजिए. सॉरी x और y की जगह डाल के चेक कर लो, तो x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करो, मतलब एक इक्वेशन क्या हो रही है, x plus y plus c1 is equal to 0, तो यहाँ पे x और y की सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू, तो c1 मिल जाएगा माइनस वाई, c1 कितना आ जाएगा माइनस वन, तो बेसिकली x plus y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन आ गई. सिमिलरली x माइनस वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो करो, यहाँ x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो सी टू क्या आ रहा है, सी टू क्या आ रहा है, प्लस वन आ रहा है, प्लस टू. यहाँ क्या किया बेटा आपने, वाई वन प्लस वाई टू किया तो टू आएगा ना. हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस वन, यहाँ माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. अब ध्यान से देखो तो यही इक्वेशन थी, एक्स प्लस वाई माइनस टू, और यहाँ पे सी वन की जगह प्लस वन रखोगे तो एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. समझ गया क्या कर रहा हूँ? Yes. अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो दोनों लाइंस निकल चुकी हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो ना. If मैंने दो लाइंस की इक्वेशन लिख दी, ये और ये, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही लोगे. तो बस यही कुछ चीजें हैं जो घूम फिर करके आती रहती हैं. क्या क्या पूछता है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देकर के पूछेगा कि दोनों इक्वेशन निकालो सेपरेट, फिर दोनों इक्वेशन से पूछ सकता है कि एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस निकालो, उसके लिए फॉर्मूला आपको बता दिया.
और पूछ सकता है आपसे क्या कहते हैं whether the both the lines are perpendicular or not, वो आप देख करके ही बता सकते हो a plus b is equals to zero हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Next, the type of question that can be asked is कि point of intersection निकालो. तो दोनों equation निकाल करके दोनों को simplify कर लो, point of intersection मिल जाएगा. ठीक है. Pair of straight line passing through origin के लिए मैंने equation बता दी, ऐसी होगी हमेशा. ठीक है. और यही होमोजीनियस इक्वेशन होगी, टू डिग्री कर्व को रिप्रेजेंट करेगी. और एंगल बिटवीन टू लाइंस भी बता ही दिया है. ठीक है. एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. मतलब ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा. अभी तक जितना बताया सब क्लियर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में? यस एवरीवन. हाँ ठीक है. अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन नोट कर लो. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन drawn through 1, 1, drawn through 1, 1 and perpendicular to pair of lines, and perpendicular to pair of lines 3x square minus 7xy plus 2y square is equals to 0 is equation of pair of a straight line drawn through 1, 1 and perpendicular to pair of a straight line. This is perpendicular to pair matlab ha equation of pair of a straight lines drawn through this and perpendicular to pair of lines. Iska ye matlab ho gaya quadratic ha quadratic equation aayegi lekin is question ka matlab samjho. इसका इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया ना कि लेट्स से मेरे पास कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी हैं जो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है ना. तो अब जो नई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी मेरी, जो नई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी. मतलब लाइक लाइक होगा क्या कि जो इन दोनों के बीच का एंगल है, लाइक द एंगल बिटवीन दीज टू, मतलब कैसे समझाऊं, लाइक दिस लाइन दोनों के बीच का एंगल सेम रहेगा ना. दोनों के बीच का एंगल सेम रहेगा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करेंगे. बट दिस टाइम दिस विल नॉट बी पासिंग थ्रू 0, 0. जरूरी नहीं है कि 0, 0 से पास हो. दिस विल बी पासिंग थ्रू 1, 1. तो मतलब इसी को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे. समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर. लाइक 1, 1 से पास होने वाली लाइंस रहेंगी ऐसा परपेंडिकुलर. अच्छा ये समझ रहे हो कि ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है? हाँ सर वो समझ रहा है. अब मुझे एक और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है जो 1, 1 से पास हो और इस लाइन से इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर रहे. तो दो लाइन से, तो दोनों लाइन से परपेंडिकुलर एक एक लाइन रहेगी ना. हाँ 1, 1 से पास करा दो उसको. तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया. ठीक है. अभी इफ यू गाइस रिमेम्बर मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट मेथड बताया था लाइन परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए, याद है? अगर मेरे पास 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन के लिए एक शॉर्टकट मेथड बताया था. y का कोफिशिएंट नेगेटिव करके x को दे देंगे और x का पॉजिटिव ही रहने देंगे. राइट. कोफिशिएंट चेंज कर देंगे विद साइन. राइट. माइनस 2x प्लस 3y. मतलब y का साइन ही बस चेंज करते हैं. हां y का साइन चेंज कर देंगे बेसिकली. और x का किया और y का रखा तो भी चलता है. हां सेम चीज होती है. मतलब बेसिकली करना सेम ही प्रोसेस होता है. मैंने 1 वे बताया था, 2 वे भी एप्लीकेबल है, दूसरी तरफ से भी कर सकते हो. कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक प्लस बताया था. और 5 का क्या करेंगे सर? वो एज इट इज का कुछ डिपेंड नहीं, x और y की वैल्यू पुट करके. हां लाइक अगर मुझे बोला कि पासिंग थ्रू दिस एंड पासिंग थ्रू 1, 1 दे दिया
तब क्या करोगे x और y की जगह 1 करेंगे। हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये आ गया। यही सेम चीज ना परपेंडिकुलर लाइंस में भी वैलिड रहती है। देखो कैसे, सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस इज ओरिजिन। हाँ इन दोनों लाइंस का ओरिजिन है राइट SS012। अब देखो ये मुझे पता, यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो पासिंग थ्रू 1,1 दिया है, तो अगर 1,1 दिया हुआ है तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैं क्या करूँगा, मैं x की जगह x माइनस वन यूज करूंगा, y की जगह y माइनस वन यूज करूंगा। लाइक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझते हो ना सब लोग? नहीं समझते हो? ओके अच्छा एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे अभी लास्ट लाइक क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, 3x - 2y + 5 = 0 राइट, एंड द लाइन वाज पासिंग फ्रॉम 1,1। तो अभी मैं क्या करूँ, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग 1,1 हियर, ठीक है, जो कि मैं कर रहा था अभी, मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ। देखो 2x - 1 - 2x - 1 + 3y - 1 + 5 = 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो एक बार, देखो क्या आ रहा है, -2x + 3y। फाइनली क्या आ रहा है, +4 = 0 ये आ रहा है। एक सेकंड, कुछ गलत आ रहा है सर। सर मुझे आंसर आया पर दोनों लाइंस सेपरेटली आई है, मतलब कंबाइन करके बताना है ना? हाँ कंबाइन करके बताना है, वो तो तुम मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा, बट ऐसे करना नहीं है ना। मैं नॉर्मल मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इजी मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट एक बता रहा हूँ बस क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ये यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा, मुझे इक्वेशन चाहिए कि जहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे क्या मिल जाए, आई विल बी गेटिंग अ 0 मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, x माइनस 1 लिखूंगा उसको, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर 0 मिल जाएगा। सिमिलरली मुझे चाहिए कि y की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट करूँ मुझे 0 मिल जाए, तो y माइनस 1 लिखूंगा मैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है अभी तक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसका कोफिशियंट x के साथ लिखूंगा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था, इसका कोफिशियंट मैं y के साथ लिखूंगा स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ y आई एम यूजिंग y माइनस 1 का स्क्वायर। ये ओरिजिन शिफ्ट करने के लिए परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर के लिए, हाँ परपेंडिकुलर के लिए एक्सचेंज किया y माइनस 1 का स्क्वायर। और ये जो 7xy वाला है ना, इसका भी साइन चेंज, मतलब इसका साइन चेंज करूंगा इंस्टेड ऑफ इनका साइन, इनके बस कोफिशिएंट चेंज कर दूंगा एज साइन, जैसे हैं वैसे के वैसे। ये जो xy वाला है ना, इसका साइन चेंज करूंगा, और x की जगह x माइनस 1, y की जगह y माइनस 1। ये जो इक्वेशन आई है ना, फाइनली दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इन पासिंग थ्रू 1,1। 1,1 से पास हो रहा है, ये कैसे वेरीफाई कर सकते हो? देखो x की जगह 1 और y की जगह 1 रखो, 0 हो रहा है, तो 1,1 से पास कराने के लिए मैंने क्या किया, इस टाइप से कर दिया। तो सबसे पहली कंडीशन तो मेरी ये सही हो गई। सेकेंडली परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या किया, इसका कोफिशियंट इधर रखा, इसका कोफिशियंट इधर रखा, और एक्स वाई का कोफिशियंट का साइन चेंज कर दिया। बहुत सिंपल सा है ना। मोहित आपको इक्वेशन आया था ना एक बार, वो करो, मुझे दो लाइंस आए थी, मैंने दो लाइंस आई थी, उनको मल्टीप्लाई करो या इसको एक्सपैंड करो, देखो सेम ही आ जाएगा फाइनली।
सर अगर इनिशियल लाइन माइनस टू वाई स्क्वायर रहता तो फिर नीचे में क्या चेंजेस आते हैं? इनिशियल लाइन क्या रहता बेटा? माइनस सर इनिशियल लाइन में 3x स्क्वायर माइनस 7x वाई माइनस 2y स्क्वायर रहता तो फिर क्या डिफरेंस रहता? मान लो ऐसा कुछ होता प्लस हाँ सर मतलब वही एक दो एग्जांपल्स बस थोड़े और बता दीजिए सर। जैसे मान लो सबसे पहले तो x माइनस 1 y माइनस 1 क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है? मान लो ये 1.2 से पास कराना होता मुझे तो मैं क्या करता x की जगह x माइनस 1 और y माइनस 2 कर देता 2 रखता ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? प्लस 2। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस 3। एज इट इज जैसा जैसा कोफिशिएंट है विद साइन उठा के चेंज कर दो और ये इसका साइन चेंज कर दो प्लस 7x माइनस 1 y माइनस 2। ओके सर अगर आपको जो परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन हो इसके लिए स्टेप्स लिख लो आप, मैं लिखवा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को याद रहे। ये जो x माइनस 1 कर रहा हूँ ना इसको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। मतलब ये हो गया बेटा कि मतलब ओरिजिन शिफ्ट होने का मतलब ये हो गया कि अभी तक जो ओरिजिन मेरा 0.0 पे था वो 1.1 पे हो गया। बेसिकली x की जगह इस वाली इक्वेशन में आप 0.0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको 0 मिल जाता है। यहाँ पे वही कर्व शिफ्ट हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1.1 अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वही सेम चीज मिल रही है। बोल इसको बोल सकते हैं ना कि अभी तक जो यहाँ पे ओरिजिन था वो ओरिजिन यहाँ पे हो गया। तो बस टर्म है एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसका कुछ वैसा ना सिग्निफिकेंस नहीं है कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। जैसे हाँ सर मतलब अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो हम सीधा x माइनस 1 वाला राइट सिंपल से सिंपली आप कर देते। फर्क पड़ता ना मतलब अगर कोई इक्वेशन मुझे निकालनी होती कुछ और कंडीशन देता ना। अब ये लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है, जरूरी नहीं ना कि 1.1 से भी पास हो। सर हमने इसमें ऐसा क्यों किया, दोनों की साइन सेम क्यों रखी? दोनों की साइन सेम परपेंडिकुलर में कन्वर्ट करते वक्त मैंने एज इट इज इसका कोफिशिएंट यहां रख दिया, एज इट इज इसका कोफिशिएंट इधर रख दिया और ये जो बीच में 7xy है ना इसका साइन चेंज किया। ऐसा क्यों किया सर? मतलब अब करने पे आ रहा था प्रोडक्ट में से ही और मतलब अब ये कैसे लॉजिक बताऊं कि कैसे आ रहा है ये? मतलब ये तो नॉर्मली आप चेक कर दो, मतलब एक का कोई मतलब किसी एक का करते थे ना चेंज वही पैटर्न ऑब्जर्व होगा। मतलब प्रोसेस वही है, सिमिलर वही है, मतलब सिमिलर टू वैसा ही है। मतलब यहाँ पे सेंस स्क्वायर वाले टर्म्स का वैसा ही रख दिया और एक्स और वाई को जो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो रहे थे उनका चेंज किया बस। साइन परपेंडिकुलर है ना तो कोई एक ही निगेटिव होगा। अब जैसे लॉजिक ये कहता है कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर वाला साइन है, अगर आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो जैसा है वैसा ही रख दो। सिमिलरली वाई की जगह अगर आप कुछ और सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। बट अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों में से एक चीज तो नेगेटिव हो रही होगी ना, आइदर एक्स और वाई, क्योंकि ऐसा कुछ मिलेगी लाइन, तो आइदर एक्स विल बी नेगेटिव और वाई विल बी नेगेटिव। तो जब लीनियर टर्म्स लोगे तो दोनों में से अगर एक चीज नेगेटिव हो रही होगी तो इसका साइन चेंज हो जाना चाहिए। मतलब लॉजिकली तो ऐसा है। मोहित समझा थोड़ा थोड़ा? सर सर मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मुझे लीव करना पड़ेगा। एक सेकेंड सार्थक आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है चलेगा। ये पार्टिसिपेंट काउंट इतने कम कैसे हो गए? 46 कैसे हो गए? स्टार्टिंग में तो 55 आई अराउंड थे। ब्रोज कर देते हैं सर, इसको स्टेप्स दिखा देंगे सर। मतलब शिफ्टिंग ऑफ कर्व भी सेम ही चीज है ना, एक्स एक्सिस में हम लोग शिफ्ट करने के लिए उतना माइनस कर देते, उतना माइनस कर देते हो राइट। अगर ये माइनस 1 होता तो उतना ऐड कर देते। हां वही सेम ही चीज, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बेसिकली 1.1 से पास कर रहा है वो इंश्योर करने के लिए।
उसको इंश्योर करने के लिए वाइज क्या 1y में मूव किया लाइक अगर मैं 1, 1 रखूंगा तो बेसिकली दिस इक्वेशन इज बिहेविंग लाइक समथिंग जो ओरिजिन से पास हो सके मतलब 1, 1 रखने पे जैसे 0, 0 पे ये इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही थी वैसे 1, 1 रखने पे ये 1, 1 से पास हो रही है तो बेसिकली 1, 1 इज एक्टिंग एज ओरिजिन फॉर दिस इसलिए इसका टर्म शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता है नेक्स्ट इज बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि मान लो मुझे कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है ठीक है और उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में लेट्स से इक्वेशन फॉर्म करते हैं मतलब थ्योरी ही है ये थ्योरी थोड़ा एडवांस के लिए मतलब आईटी एडवांस के लिए तो ध्यान से समझना मान लो मुझे कंबाइन इक्वेशन गिवन है द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द image of pair of lines are given as ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. 2hxy plus by square is equals to 0. The combined equation of image of pair of straight lines given hai aapko. क्या समझ रहे हो इससे एनीवन सर दोनों लाइन की इमेज को एक इक्वेशन में दोनों लाइन की इमेज को कौन से एक्सिस के लिए इन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू लेट्स से इन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू ए या वाई इज इक्वल्स टू जीरो कर लो चलो y is equals to zero में y is equals to zero कर लो ठीक है तो अभी मुझे the combined equation of pair of straight lines in the line y is equals to zero निकालना है या solve करना है तो how can we simplify this sir repeat करो एक बार देखो ये मेरे पास एक इमेज दी हुई है ठीक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की लाइन y इज इक्वल्स टू 0 में तो लाइन y इज इक्वल्स टू 0 में क्या हो रहा है लाइन y इज इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होगी पहले तो ये बताओ x एक्सिस होगी तो बेसिकली x एक्सिस पे मुझे किसी चीज का इमेज निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं लेट्स से द पॉइंट इज x, y अगर मुझे नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर मुझे x एक्सिस में किसी चीज का इमेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव कर सॉरी y कोऑर्डिनेट नेगेटिव कर देंगे या y की जगह -y हाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हां सर अगर आपको x एक्सिस में किसी चीज का मिरर निकालना है मिरर इमेज निकालना है तो x, -y आएगा राइट तो y की जगह आप -y रिप्लेस कर दोगे अब देखो यहाँ से आपसे पूछा है द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ पेयर ऑफ लाइंस आर गिवन एज दिस इन द लाइन y इज इक्वल्स टू 0 अब ये कोई पेयर ऑफ लाइंस रही होंगी कोई पेयर ऑफ लाइंस रही होगी इसका आपको x इज इक्वल्स टू 0 में इमेज निकालनी है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे -y इक्वल टू 0 y equals to 0 -y डाल y की जगह -y डाल देंगे y की जगह अगर -y डाल दोगे इस इक्वेशन में सिर्फ -2hxy हो जाएगा बाकी दोनों तो सेम बाकी सब सेम ही रहेगा तो ये चीज समझने की कोशिश करना मतलब क्वेश्चन को -y क्यों डालो बेटा अगर किसी भी पॉइंट का इमेज देखोगे तो उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो चुका होगा हर बार हां तो बेसिकली अगर y की जगह -y सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इक्वेशन जो भी मिलेगी वो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी इंसटेड ऑफ दिस लाइन ओके हां समझ गया ना तो देखो बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन था कि कंबाइन इक्वेशन मतलब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इमेज देखनी है मुझे y इज इक्वल्स टू 0 में जिसको मैंने बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन रख करके कि अगर मैं y इज इक्वल्स टू 0 में किसी चीज को देख रहा हूं तो उसके इमेज में कितना डिफरेंस आएगा सिंपलीफाई कर लिया
तो आई होप ये समझ गया होगा सबको सर, बट ये वाला तो इजी था क्योंकि इसमें जो हमारा एक्सेस थी वो तो सिंपल मतलब एक्स एक्सेस ही थी, अगर हां सर कोई इक्वेशन दे दिया तो लाइन का कोई इक्वेशन दे दिया गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक टफेस्ट क्वेश्चन था एडवांस का, ऐसा पूछेगा तो नहीं, बट मान लो अगर y इक्वल्स टू a दे दिया मैंने तो क्या कर सकते हैं? तो लॉजिक लगा सकते हैं हम, पॉइंट का इमेज निकाल देते हैं लाइन के अलोंग लाइट। अब बस एक चीज मुझे बताओ, अगर मैंने y इक्वल्स टू a दे दिया अभी अभी सोच करके बताओ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मैंने पढ़ाया हुआ है ना? हाँ सर, मतलब ये बता दिया थोड़ा सा, मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से हो जाएगा ये वाला, लेकिन x plus y equal to 1 मान लो दे दिया तो क्या होगा? नहीं फिर तो नॉर्मली सब सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से कैसे करेंगे बताओ? ओरिजिन को a डिस्टेंस पे मान लेंगे तो फिर वो वैसे ही करेंगे। तो क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे? सर y कोऑर्डिनेट में से a माइनस कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। बेसिकली मैं y माइनस a करूँगा, माइनस ऑफ y माइनस a करूँगा क्या? हाँ मतलब माइनस बाद में वो इमेज का ओरिजिनल। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ से आप डिस्टेंस देख रहे थे तो बेसिकली y माइनस जीरो था राइट, यहाँ पे द डिस्टेंस विल बी y माइनस a। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. अगर ये वाला डिस्टेंस y माइनस a हो गया तो इसका इसका सर इमेज की भी डिस्टेंस y माइनस a होनी चाहिए था, और फिर हम उसके लिए a माइनस y माइनस a कर देंगे। माइनस साइन एक लेना पड़ेगा राइट? हाँ सर वो यस इमेज माइनस साइन एक लेना पड़ेगा। बट मान लो कैसे इतना श्योर हो सकते हैं कि नेगेटिव साइन होना ही चाहिए? लेकिन यहाँ पे तो हम श्योर थे कि नेगेटिव साइड पे ही लाई करेगा, दैट इज व्हाई हमने y की जगह माइनस y सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाउ कैन वी बी सो श्योर कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आना ही चाहिए? लाइक y की जगह y माइनस a सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो तो ठीक है, साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस अपोजिट साइन होना चाहिए, अपोजिट साइड पे होना चाहिए राइट। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है ये सबको समझ में आ रहा है ना? मतलब ये y इक्वल टू a वाला पूरा, क्योंकि हम लोग एक बार ओरिजिन पे ले आए तो साइन अपोजिट हो ही जाएगा। साइन अपोजिट हो ही जाएगा, वेरी गुड। हाँ किसी को ओरिजिन वाला नहीं समझा? ओरिजिन वाला अगर मान लो y इक्वल्स टू 2 में आपको किसी चीज की इमेज देखनी है, और y इक्वल्स टू 2 में अगर किसी चीज की इमेज देखना चाह रहे हो, मान लो मेरे पास पॉइंट है 3.5 ठीक है, इसका y इक्वल्स टू 2 लाइन में इमेज देखना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस 3 है, 5 माइनस 2 करोगे तो 3 है, तो 3 यूनिट नीचे देखोगे ना 2 से, तो क्या करोगे? माइनस थ्री करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। बट तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 माइनस 2 करोगे, यहाँ पे मैं y माइनस a कर रहा हूँ, नीचे वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो उससे भी y माइनस a डिस्टेंस नीचे रहेगा। ये समझ गया अभी? माइनस थ्री क्यों आया सर? अच्छा, उसका कोऑर्डिनेट तो 2 माइनस 3 आएगा ना फिर, क्योंकि y भी 2 यूनिट से ऊपर ओरिजिन, कोऑर्डिनेट 3 माइनस 1 आएगा। हां कोऑर्डिनेट 3 माइनस 1 आएगा, समझा सबको? तो अभी आप क्या करोगे, y माइनस a अगर वापस से यहां से 2 माइनस a कितना है यहां पे, यहाँ पे अगर ये वाला डिस्टेंस मतलब यहाँ से 3 यूनिट आपको नीचे निकालना है ना, तो 3 यूनिट नीचे निकालने के लिए क्या करोगे, a माइनस y करोगे ना, इस a में से 3 यूनिट माइनस करोगे ना? हाँ सर मैं वही कह रहा था। हाँ तो अगर a माइनस y करो या माइनस ऑफ y माइनस a करो, बात बराबर ही है ना, ये a माइनस y भी तो लिख सकते हो ना? यस सर। तो वही उसी को मैं माइनस ऑफ माइनस y माइनस a लिख रहा हूँ। अभी एग्जांपल से समझा क्या कह रहा हूँ? हाँ सर समझ गया। नहीं नहीं आपको समझ गया, बाकी लोगों को जिसको नहीं समझा था। सर तो y कोऑर्डिनेट a से कम है तो अपने आप ही पॉजिटिव ही रहेगा, तो
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका कम रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगी, उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं रहेगा ना। हाँ सर समझा। समझ गया ये चीज, फिर से समझाओ बेटा। कौन सा पॉइंट नहीं समझा यहाँ पे? अगर मैं सर वही y equals to a, वो उसके बाद से कुछ y is equals to 2 है मान लो, तो मिरर इमेज 3-1 आएगी, ये तो दिख रहा है सर, वो दिख रहा है, दिख रहा है ना। मतलब अब इसी चीज को रख करके सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ मैं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस y माइनस a होगा, तो ये डिस्टेंस 3 है, हाँ या ना? इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है। हाँ सर। अगर तो 3 यूनिट ही तो नीचे डिस्टेंस आपको ले आना पड़ेगा टू गेट दैट पॉइंट। तो अगर ये डिस्टेंस y माइनस a है तो ये डिस्टेंस शुड आल्सो बी y माइनस a, राइट? यस ये वाला, बट उसको आपको a में से माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो ये डिस्टेंस भी y माइनस a रहेगा, बस एक नेगेटिव साइन ऐड करना पड़ेगा वहां पे। क्यों नेगेटिव साइन ऐड करना पड़ेगा सोच के बताओ। y को क्या किया था बेटा? y को 2 को ओरिजिन पर उसने, हाँ ओरिजिन मान लिया था, तो अभी जो नीचे आएगा उसके लिए एक माइनस साइन सब्स्टिट्यूट कर लो, वैसे भी समझ लो। हाँ सर, सिंपलीफाई हो जाएगा। इक्वेशन में क्या y माइनस a ही रहेगा? y माइनस a ही रहेगा, बस माइनस साइन के साथ रहेगा, या तो फिर a माइनस y भी यूज कर सकते हो। हाँ सर। तो बस ये है। वेदांत मीटिंग में हो? वेदांत बेटा क्या नहीं समझा बताओ एक बार, वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ, आगे नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं। देखो पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वेदांत, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बस वेदांत को ही नहीं समझा होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। अभी तो दिख रहा था मुझे भी, अच्छा वेदांत वो दूसरा वाला वेदांत है। हाँ किसी को पर्सनली मैसेज कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझा तो मुझसे डिस्कस करो ना, किसी और को पर्सनली भेजने से क्या होगा। वो चैट्स ऑफ कर दो ना पर्सनल वाले। अरे ठीक है छोड़ो, जिसको पढ़ना होता है वो कैसे भी पढ़ लेता है, इतना प्रेशर में ना आप पढ़ पाओगे ना मैं पढ़ा पाऊंगा, मतलब नहीं है ना उसका। देखो थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, अग्री कर रहा हूँ इस बात से, बट काफ़ी सारे मैं शॉर्टकट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त। अंडरस्टैंडिंग वाइज अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत डीप लेवल पे भी जा सकता हूँ मैं, बट मैं जाना नहीं चाह रहा उतना डीप लेवल पे, बिकॉज फिर वो होगा ना कि ये इसी टाइप के रिएक्शन आते हैं कि ज़्यादा डीप चले जाओ ना, अगर ज़्यादा कॉन्सेप्ट में घुस जाओ तो फिर कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चे नहीं कैचअप कर पाते। खैर आज के लेक्चर में जो भी मैंने बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है और होमोजीनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बनती है, एंड अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो रिप्रेजेंट कर रही है तो दैट विल ऑलवेज बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसका मैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकालते वक्त में बस होमोजीनियस वाला जो पार्ट है उतना ही इफेक्टिव रहता है, बाकी सब कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उससे मैंने आप लोगों को बताया कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। एंगल बिटवीन टू लाइन्स डिटरमाइन करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो दोनों जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं बोथ द लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी इक्वेशन को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो ब्रेक करते वक्त दो स्टेप्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला इज फैक्टराइजेशन, पहले तीन टर्म्स मतलब एक्स स्क्वायर वाला, वाई स्क्वायर वाला और एक्स वाई वाला, इनको फैक्टराइज करना। वंस यू फैक्टराइज दोस, उसके बाद फिर आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे निकालना है मैंने वो भी बता दिया, पार्शली डिफरेंशिएट करके फिर कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? तो वहां से आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, बट उसी पे मैंने और भी क्वेश्चन देख लिया। आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई मुझे ऐसे डिफरेंट टाइप का सिनेरियो देता है जहाँ पे मुझे बोलता है कि किसी पॉइंट से पास हो रहा है और कुछ
60 डिग्री एंगल पे है या परपेंडिकुलर टू है. तो परपेंडिकुलर के लिए तो मैंने आप लोगों को सिंपली बता दिया कि एक्सचेंज द कोफिशिएंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ एक्स वाई टर्म. और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है तो उस पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए माइनस या प्लस कर देंगे उतना वाई में और एक्स में रिस्पेक्टिवली. सिंपल सा. अगर क्या कहते हैं उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मुझे किसी चीज की इमेज देखनी होती है सर ये किस एंगल पे दिया होता तो कैसे करते है? किसी एंगल पे दिया होता मतलब y is equals to mx टाइप का कुछ लाइन होती अदर देन 90 कुछ दिया होता अदर देन 90 होता तो फिर खुद ही सोचो क्या कर मतलब शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते थे बट क्या कर सकते थे सोचो लाइन करके फिर सर जनरल पॉइंट का निकाल लेते इमेज सब्स्टिट्यूट करते जनरल टर्म निकाल लेते और सब्स्टिट्यूट कर देते मतलब जनरल टर्म एज इन दोनों लाइन मतलब दोनों लाइन एक की इक्वेशन निकाल देते. सॉरी समझा नहीं मैं आप क्या बोल रहे थे. पॉइंट तो एक्स मालूम पॉइंट कुछ भी होता तो उसके लिए तो आपको पता है कि क्या करना है. हाँ सर वही बोल रहा हूँ मतलब पॉइंट और लाइन के लिए इमेज निकाल सकते हैं तो नहीं यही पे मतलब इस वाले क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ आस्किंग परपेंडिकुलर मैंने बोल दिया था 30 डिग्री एंगल पे तो कैसे करते. क्वेश्चन ये है अच्छा ये चीज समझते हो ना कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर. और अगर मैं इसको 30 डिग्री मूव कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा ऐसे का पूरा ऐसे 30 डिग्री मूव हो रहा है मतलब ये नीचे वाला यहाँ तक 30 डिग्री मूव हो रहा है ऊपर वाला यहाँ तक 30 डिग्री मूव हो रहा है राइट. अब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए मुझे बताओ कि अगर इस वाले कर्व को मैं 30 डिग्री मूव कर रहा हूँ तो बेसिकली अच्छा चलो इस पे सोचना ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन आपके बुक में सॉल्व किया है क्या? ये क्वेश्चन मेरी बुक में ये वाला आप एक बार आंसर बताओ कंफर्म मतलब क्रॉस चेक करना यही आंसर है मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया इसको एक्सपैंड नहीं किया इसको एक्सपैंड कर लो ना y माइनस वन का होल स्क्वायर x माइनस वन का होल स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई तो करना. हाँ सर ठीक है. उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मान लो कोई मेरे पास स्ट्रेट लाइन गिवन है y is equals to a टाइप की x is equals to a टाइप की x is equals to 0 टाइप की y is equals to 0 टाइप की तो उसमें आप मिरर इमेज कैसे इजीली डिटरमाइन कर सकते हो. यहाँ पे y की जगह माइनस y सब्स्टिट्यूट किया वहां पे क्या कर सकते हो x की जगह माइनस x सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. अगर y इक्वल्स टू a में डिटरमाइन करना है तो y की जगह y माइनस a या माइनस ऑफ y माइनस a या a माइनस y सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. हाँ अभी पूछो क्या पूछ रहे थे पिछली स्लाइड एक मिनट पिछली स्लाइड हाँ सर हो गया ठीक है ना. चलो असाइनमेंट कल तक सबमिट कर देना लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. एक छोटा सा टॉपिक और रह गया एंगल बाइसेक्टर वाला परपेंडिकुलर लाइन का एंगल बाइसेक्टर और कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा लोकस के और इसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बस फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा. चलो थैंक यू एवरीवन. और सर ये किस एंगल पे होगा वो वाला भी करा. हाँ ये वाला तो बताऊंगा ये तो सोचना है आप लोगों को. हाँ, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे. चलो बाय. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सुनेट सर.